दोस्तों ये प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया है कि पांच अंकों की सबसे छोटी कहा जाए या छोटी से छोटी कहा जाए, दोनों एक ही बात होती है। संख्या ज्ञात कीजिए, पांच अंकों की होनी चाहिए, ठीक है, जिसको 12, 40 तथा 75 से भाग देने पर शेष पर 9 प्राप्त होता है। अब देखिए, संख्या निकालनी है जिसको इनसे भाग देना है, ठीक, जिन संख्याओं से भाग देने की बात करते हैं, और छोटी संख्या ज्ञात करनी है तो हम लासा निकाल लेंगे। छोटे से छोटे तो ज़्यादातर मामले में, देखिए आम तौर पे छोटे से छोटी जब भी पूछा जाएगा तो लासा ज्ञात करना होगा, और बड़ी से बड़ी जब भी पूछा जाएगा तो मासा ज्ञात करना होगा, ठीक। तो हमें लासा ज्ञात करना है लघुत्तम समापवर्तक इन संख्याओं का, तभी ये हो गए। शुरुआत यहीं से होती है, ठीक है। हल जब हम करना शुरू करते हैं तो हम शुरू करते हैं अपना, ये 12 है, 40 है और 75 है, हमें इनका लासा चाहिए होगा तभी काम हो पाएगा। 2 से काट देते हैं 6, यहाँ पे 20, ये 75 नहीं कटेगा। 2 से काट देते हैं 3, यहाँ पे 10, ये 75 रहेगा। 2 से फिर कटेगा यहाँ पे 5, ये 75। और अब 3 से काट देते हैं, 3 एकम 3, ये 5 रहेगा, और ये 25 दिया 75 होता है, यानी कि यहाँ पे 25 मिल जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5, और फिर 5 से काटेंगे तो 1 1 1, ख़त्म हो चुकी बात। तो यहाँ पे हमें मिला है 12, 40 व 75 का लासा, लघुत्तम समापवर्तक हमें जो चाहिए था वो हमें मिला है क्या, 2 गुणते 2 गुणते 2, एक बार और है, फिर 3 गुणते 5 गुणते 5 है। अब देखिए इसका गुणा करना, ये 2 दुनिया 4 दुनिया 8 3 24, ऐसे करके चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आसान तरीका, जब भी आपको 2 और 5 दिखाई दे तो 5 दुनिया 10 1 0, ठीक, और ये 5 दुनिया 10 1 और 0। अब क्या बचा, 3 दुनिया 6, बहुत आसानी से हो गया ना। याद रखेंगे कि 5 और 2 का ही गुणा होकर के 0 मिलता है, 5 दुनिया 10 होता है, और किसी संख्या का गुणा करके नहीं कर सकते आप, ठीक, यानी 0 बढ़ाने के लिए 5 और 2 होना आवश्यक है। अब ये क्या है कि 5 अंकों की हमें छोटी से छोटी संख्या चाहिए थी, पर इसमें 3 अंक ही हैं, 3 अंक हैं, ठीक है। अब ये वो संख्या हो गई है जो इनसे तो कट जाती है, लेकिन शेषफल 9 चाहिए। अगर शेषफल 9, यानी कि अगर ये 5 अंकों की ना कहा होता, केवल छोटी से छोटी संख्या या सबसे छोटी संख्या जो इनसे भाग देने पर शेषफल 9 देती है, तो इनसे कटने वाली संख्या तो 600 हो गई छोटी से छोटी, और शेषफल 9 प्राप्त करना है तो 9 इसी में जोड़ दोगे तो 609 तो हो जाएगी, जो इनसे कट जाती है और 9 शेषफल देती है, लेकिन वो 5 अंकों की नहीं है। तो जब 5 अंकों की नहीं है तो ये अभी रुकना पड़ेगा, ये अभी नहीं हो पाएगा। तो 5 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होती है, छोटी संख्या क्या होती है वो हमको पता होना चाहिए। 1 के बाद 0 बढ़ाते चले जाओ जब तक 5 अंक ना हो जाए। यहाँ पे तो 4 अंक हो रहे हैं, ये 5 अंक, ये होती है। अब हमें करना ये है कि हमारा जो ये संख्या मिल गई है, ठीक, ये कितना है, 10,000 है, इसमें हमें 600 से भाग करना होगा। 600 से भाग करना होगा तो किस लिए भाग करना होगा, समझाते हैं। अब ये 6 एकम 600 होगा, ऐसे बनेगा, ये 0 ऐसे घटेगा इस 0 में ये, और ये 10 में से 6 के 4, 1 0 उतर आएगा। अब 6 छंग 36, 6 छंग 36, और ये 00 ऐसे, पहाड़ तो आता होगा मेरे ख्याल से, आपने बहुत सीखा होगा। तो इसमें घटाएंगे तो ये 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे यहाँ से लेंगे 10 में से 6 गए 4, और ये कट गया तो 400 बचा है। अब ये 400 क्या है, ये शेषफल हो रहा है, हमें इस 600 में 400 घटाना है। 600 में अगर 400 घटा देंगे तो हमें 200 मिल जाएगा। तो यही 200 की कमी पड़ रही थी, यही 200 को हमको इसमें जोड़ देना है तो वो संख्या मिल जाएगी, यानी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या मिल जाएगी जो 600 से विभाज्य होगी। 600 से विभाज्य होने का मतलब होता है 12, 40 और 75 से भी विभाज्य होना, ठीक, इसलिए 200 प्राप्त किया गया। अभी हम प्राप्त कर रहे हैं 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 600
जिसको कहते हैं भैया 600, या मतलब 12, 40 तथा 75 से विभाज्य हो। हालांकि ये लिखना नहीं है, विभाज्य हो वो क्या है, ये अपनी 1,000 में, 10,000 में यही 200 जोड़ देना है, तो हमें 10,200 प्राप्त हो जाएगा। तो ये वह संख्या हो जाएगी जो 600 से कट जाती है। 600 से कटने का मतलब ये 12, 40 और 75 से कट जाती है, और 12, 40 और 75 से कट जाती है, और साथ ही 5 अंकों की है। तो हमारी शर्तें क्या हैं कि इनसे कट जा भाग देने पर कट जानी चाहिए, पहले तो कट जानी चाहिए, 5 अंकों की होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 600 से कट जाती है, जिसका मतलब 12, 40, 75 से कट जाती है। लेकिन आप कहोगे कि शेषफल 9 भी तो चाहिए, तो शेषफल वो जो 9 वाला प्राप्त होता है, मतलब जो जो भी शेषफल का ज़रूरत होती है, रिक्वायरमेंट होती है, वो सबसे लास्ट में आती है। तो हमारी जो अभीष्ट संख्या, अभीष्ट संख्या का मतलब जो हमें रिक्वायर्ड थी, जो हमें ज़रूरत थी, वो संख्या हमारी जो हो जाएगी, वो हो जाएगी ये अपना 10,200 है। इसमें अपना वही जो शेषफल बच रहा था 9, वही जोड़ देंगे, तो 10,209 ये जो संख्या प्राप्त हुई है, यही हमारा आंसर है। तो ये वह संख्या है जो 5 अंकों की है। अब देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 अंक हैं, छोटी है, छोटी से छोटी, सबसे छोटी, इससे छोटी और कोई संख्या नहीं है जो 600 से कट जाए। 600 से कटने का मतलब 12, 40 और 75 से कट जाए, और यहाँ पे 9 जोड़ा इसलिए ताकि शेषफल प्राप्त हो सके। तो शेष, अब तो ये वह संख्या है जिसको 12, 40, 75 से भाग देंगे तो शेषफल में 9 प्राप्त होगा, इससे कोई, इससे छोटी संख्या और कोई नहीं हो सकती है। तो आई थिंक ये आपको प्रोसेस समझ में आई, इसको एक तरीके से चलना पड़ता है, इसका एक मतलब क्रम होता है, वो आपको समझना पड़ता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।